बात करते हैं लियाकतपुर से, जहां लियाकतपुर के डीएसपी मलिक मोहम्मद असलम साबिर की निगरानी में एसएचओ थाना पक्का लाड़ा जिब्रान जिब्राट और टीम की जरायम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। पुलिस की जबरदस्त कार्रवाई में थाना पक्का लाड़ा पुलिस ने खतरनाक मुजरिम इश्तिहारी और बैनसुबाई भट्टी गैंग के 3 कारिंदों समेत 16 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार भट्टी गैंग मोटरसाइकिल चोरियों की वारदात के लिए बदनामे जमाना है, जबकि गिरफ्तार मुलजमान में डकैती, संगीन जरायम और पुलिस को मतलूब खतरनाक मुजरिम इश्तिहारी नादर कुराई भी शामिल है। जबकि भट्टी गैंग से 5 लाख रुपए से ज्यादा मालियत के 8 मोटरसाइकिल बरामद हुए। भट्टी गैंग के गिरफ्तार कारिंदों में मोहम्मद मलूक अली हसन का ताल्लुक सूबा सिंध, जबकि नदीम का ताल्लुक जिला भावल नगर से है। जबकि दीगर पुलिस पार्टी के हमला 8 जवारियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि पक्का लाड़ा के सब इंस्पेक्टर अब्दुल कयूम ने दीगर पुलिस पार्टी के हमला 8 जवारियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार जवारियों में रियाज, आबिद, शाहिद, मोमिन शामिल है। थाना पक्का लाड़ा के एस मोहम्मद अली और टीम ने दुराने गश्त, नाकाबंदी और नाजायज असलाह बरदारों को गिरफ्तार किया। पक्का लाड़ा पुलिस ने मुलजिम हक नवाज से पिस्टल और दीगर मुलजमान से असलाह बरामद किया है। पक्का लाड़ा पुलिस ने गिरफ्तार जवारी और नाजायज असलाह रखने वालों के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। जबकि पुलिस ने बरामद शुदा मोटरसाइकिल और माल मसरूकात असल मालिकान के हवाले शुरू कर दिए हैं। जबकि इस मौके पर एसएचओ ने कहा कि अवाम के जानो माल के तहफ्फुज़ को यकीनी बना रहे हैं। पुलिस अमन अमान के तसलसल को बरकरार रखते हुए पेशा नासिर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी रखे हैं।